अभी कितने बज गए बताओ मैं आपको, कितने बज गए 1:11। हाँ ये देखो राहुल अभी आए अपने फ्रेंड लोग के साथ और ये लेकर आए खाना, मतलब लिया था उन्होंने खाने को पर खा नहीं पाया ना, ओवर हो गया तो पार्सल कर लिया, तो इसको खा लेते। रोहन बेचारे का नसीब नहीं, आज बाबू का नसीब है। तो रोहन चला गया किधर पता गया, वो वाले घर में चला गया सोने को, बाबू भी जा रहा था, ये बोला कि नहीं मैं कल से जाऊंगा। तो अभी मैं बाबू ये खाएंगे राइस है थोड़ा बस, चलो नाइट क्रेविंग्स। तो हम लोग अभी तक बैठ के, मतलब बाबू भी एडिटिंग वगैरह सीख रहा था, मैं एडिटिंग कर रही थी, तो हम लोग का मेहनत का फल थोड़ा भूख से सफल हो जाएगा। मेहनत का फल ये होता है। अरे कुछ है अंदर घुस गया झाड़ू के, अरे मम्मी उधर घुस गया, पकड़ो रुक 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 रुक, जल्दी 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 पता नहीं। और इसमें था बिस्तर में, रात भर सोया है उसी के ऊपर। हाँ टॉवल में था लगता, टॉवल में तो फिर यहाँ पे टॉवल तो मैं यहाँ से निकाली, और छोटा बच्चा था तेरे कान में का लोग गुज रहा था ऐसा, क्या वो तो नहीं तो गुजरी गोजर नहीं था तो देख ही रही, इतना छोटा सा। इधर एक कांड हो गया, बाबू का लेक्चर चालू है और चार्जिंग ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा ये स्विच में, पकड़ 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 मैं करता हूँ। Hey guys, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस आज है बहुत ही खुशी का दिन, एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है आप सभी के लिए, हमारे लिए। सो अगर आप लोग गैस कर पाते तो नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना, नीचे कमेंट करिएगा कि क्या हो सकती है वो खुशखबरी। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, ब्लॉग देखिएगा पूरा लास्ट तक, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है खुशखबरी थोड़े ही समय में। हमारा पंखा है, ये पंखा एंटी डस्ट पंखा है, इसको कोई बोलेगा ये एंटी डस्ट पंखा है, इतना डस्ट चिपकता है इस पर पूछो मत। हाँ इसको हर हफ्ते साफ करते हो फिर भी एंटी डस्ट डस्ट चिपकू है। तो ये हैवेल्स का है फैन, हैवेल्स का मैं दिखाता हूँ ब्रांड इसका, इसको बोला गया था ये एंटी डस्ट है, देखो ये हैवेल्स। सो ये एंटी डस्ट का बोला गया, लेकिन एंटी डस्ट है नहीं, ये कुछ 3,500-4,000 रुपए का एक फ़ैन है भाई साहब, इतना महंगा हो के और ये ऐसा डस्ट पकड़ता है क्या ही बताऊँ मैं। सो मैं रेडी हो गया हूँ एकदम टकाटक और ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ यहाँ से। सो कल और परसों व्लॉग क्यों नहीं आया था वो मैं सुनीता के साथ मिलके आपको बताऊँगा कि क्यों नहीं आया था, क्या रीज़न था। वैसे सुनीता और बाबू कल कल अपने घर चले गए थे दोपहर में कुछ कारण की वजह से, और वो लोग रात को रिटर्न आए नहीं, मुझे बोला था मतलब रिटर्न आ जाएंगे वो लोग, तो लोग रिटर्न आए नहीं क्योंकि उनको लेट हो गया था किसी काम में। फ़ोन किया सुनीता ने कि मैं नहीं आऊँगी कल, जब ऑफिस से रिटर्न मैं जाते रहूँगा तब मैं उसको पिक कर लूँगा, अभी मतलब आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आते टाइम उसको मैं साथ में ले आऊँगा। तो बाबू आया था, तो बाबू यहाँ पे था 2-4 दिन, तो वो भी अभी नहीं आएगा। तो सुनीता ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि उसका सामान लेते आना जो भी वहाँ पे पड़ा है, तो अभी उसका सामान मैं पैक करता हूँ और फिर उसको अभी ऑफिस जाते टाइम मैं उसके घर दे दूँगा, और फिर उसके बाद मैं वहाँ से ऑफिस चले जाऊँगा। तो उसका सामान कहाँ कहाँ रखा है पता नहीं, तो चलिए फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ कहाँ रखा है भाई सामान। सबसे पहले मैं मेरा सामान साइड में रख लेता हूँ, ये मेरी घड़ी, ईयरफोन, घड़ी, जो भी मेरे को लगता है, तो मैं वो सारे सामान यहाँ बेड पे रख देता हूँ ताकि मैं भूलूँ नहीं कुछ, एक साइड से। ये मेरा RC बुक आ गया है, मास्क, ये मेरा परफ्यूम, मेरी गाड़ी की चाबी, सैनिटाइजर, मेन सामान निकालते हैं। तो ये उसका बैग, लैपटॉप, ये उसके पाउच पड़े, ये उसका स्टैंड, वो भी वीडियो बनाता है तो उसने ये कुछ सस्ता सा स्टैंड लिया है जुगाड़ू, जो कि मतलब ठीक है टाइम पास है, मतलब इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है लेकिन ठीक है काम चलाने के लिए। चार्जर, ये कैमरा था तो ये कैमरा मैं उसको दे दूंगा, वो यूज़ करेगा। सो अभी ये दो बैग पैक हो गया, ये मेरे ऑफिस का, ये उसका बाबू का, अब लेकर चलते। उसका शूज़ रह गया, वो शूज़ में बाहर से लेके थैली में डाल दूंगा। मैं सोच रहा हूँ एक्टिवा ले जाऊँ कि यही ले जाऊँ, क्योंकि ये सामान हो गया यहाँ पे, एक तो बारिश जैसा भी लग रहा है, इतना लेट करूँगा और लेट होते जाएगा, तो इसको मैं ऐसे पीछे रख लूँगा, बैग में आगे की तरफ बांध लूँगा, मतलब पहन लूँगा, ऐसे लग रहा है टूर पे जा रहा हूँ। चलिए कुछ इस तरह से तैयार हुआ, देखो पीछे यहाँ पे आगे। तो अभी बाबू आया था, इसको सामान दे दिया, अभी जा रहा है, जाओ ठीक है बाय, मैं चलूँगा ऑफिस। तो मुझे निकलते निकलते काफ़ी लेट हो गया है, बज गए 6 ऑलमोस्ट, ऑफिस से मैं अभी निकला, तो अभी जाऊंगा मैं मेरी वाइफ को लूंगा उसके घर से, फिर देखते हैं उसके घर पे मिलते हैं। तो यहाँ पे मैडम ने अपना बैग वैग पूरा पैक कर लिया है, चलो मैडम क्या चलो क्या, कितनी बार बाय बाय करोगे, बाय बाय। तो ये हमको ना एक छोटा सब्सक्राइबर मिला, ये हम लोग का वीडियो देखते हैं, क्या नाम है तुम्हारा, कृष्णा, अच्छा यहीं रहते हो, अरे वाह, अच्छा हेलो बोल दो, हेलो हाय बाय, रोड पे मत खेलो इधर खेलो साइड में। ये देखो मैडम को जाते टाइम खाली एक एक
एक सीट कपड़े पहन के आई थी और गई थी। अभी घर जाते टाइम ये बैग भर दिया, ये बैग भर दिया, इधर झोला भी भर दिया। इतना सारा सामान कहाँ से ले लिया? घर से। इतना? तू आई तो एक ही कपड़ा पहन के थी। वो मायके में ऐसे होता है। अच्छा, क्यों गंदा है? गंदा हो ही जाता है गाड़ी। हो ब्लैक कलर नहीं सही है, तो इतना तो गंदा होता ही है व्हाइट का। बारिश आ जाएगी अभी थोड़े से, फटाफट इसमें तो 2 मिनट में पहुंचेंगे। अच्छा, सो अभी आपके भाई ने नया चश्मा निकाल लिया है, नया चश्मा पहना है, तो आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है आपका भाई। ये देखिए, तो ये मेरा जूना चश्मा, मतलब जूना नहीं, ये भी नया, ये तो ये मेटल वाला है और ये प्लास्टिक का भी मैं पहन लिया। कहाँ मैडम, कहाँ घुस रहे हैं? पावर ज्यादा है मुन्ना। वाहू मुझे, तो मैंने ये वाला पहन लिया। मैं बोला भाई कभी कभी इसको भी पहना जाए, नहीं तो फिर ऐसे ही रखे रखे खराब हो जाएंगे और लग जाएंगे पैसे के फटके। इससे अच्छा दो जिंदगी में झटके। अरे क्या मैडम, झटका देते हो आप। सो हम लोग घर पर आ गए थे, कभी हम लोग जब 7 बजे अराउंड घर पर आ गए थे और हमारा लेक्चर चालू था, तो हमने फटफट आके लेक्चर ज्वाइन किया। तो हमारा लेक्चर खत्म हो गया तो मैडम देखो लेक्चर के बाद रेडी हो रही है, पता नहीं कहाँ भाग के जा रही है, कहाँ जा रहे हो? और यहाँ पे नीचे सब तारा बुक वुक ताम झाम पड़ा हुआ है, यहाँ सब बाहर डिनर कर रहे हैं। निशा का हो गया लगता है, पापा डिनर कर रहे हैं, रोहन का भी हो गया है। सो मैंने तो सुनीता के घर नाश्ता कर लिया था तो मुझे भूख नहीं है, और उसने भी कर लिया था तो उसको भी भूख नहीं है तो उसने खा लिया था। ये लोग यहाँ डिनर कर रहे हैं अपना। मम्मी पता नहीं किसी तो फ़ोन पे बात कर रही है, बड़ा उदास उदास लग रही है। मौसी से बात कर रही है, कुछ दुख हो गया क्या लगता है। और सुनीता ने यहाँ पे लाया था, ये उत्तर प्रदेश का मोमोज है नरे, उत्तर प्रदेश का मोमोज, ये ऐसा कुछ दिखता है, गोईठा बोलते हैं इसको। तो अपने घर से लाई थी मम्मी के लिए, क्योंकि ये और पापा तो खाते ही नहीं गोईठा, और मैं भी नहीं खाता, तो लेकिन मैंने थोड़ा सा खा लिया था तुम्हारे घर पे, क्योंकि भूख लगी थी मुझे, क्योंकि भूख लगी थी मुझे इसलिए मैं खा लिया था। फ्रिज में रख दो, इसको मोमोज नहीं बोलते, गोईठा बोलते। लेकिन यहाँ पे हो गया एक पंगा, इसने लाया बिचारी ने, और मम्मी के लिए लाया था उसने, लेकिन आज है मम्मी का उपवास, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार चालू है, 2 सोमवार हो गए, तीसरा सोमवार चालू है, मम्मी उपवास रखती है हर मंडे। कल खा लेंगे। मनीषा का पिंपल न जाने कब ठीक होगा, बिचारी दवा लगाते जा रही है। अरे मत रे, पिंपल के बारे में नहीं बोलने का, कहा है तेरा ठीक हो गया, उसका क्यों नहीं ठीक हो रहा है? चाहे ठीक हो या नहीं हो, है ना, उसका उसका भी तो होना चाहिए ना ठीक। ये तो गलत बात है, इतना पैसा लगाया क्या क्या सब पैसा बर्बाद, बर्बाद हो जाएगा। ये लिया अभी तो लेगा ही, देखना ये व्लॉग में आएगा, ये पिंपल इसका लेगा, देखना। अभी ये सारा तो हो गया, हमारा डिनर विनर सब लोग कर रहे हैं, और अब बात करेंगे मुद्दे की, जो कि बात है एकदम गर्मा गर्म, मुद्दे गर्म, बात गर्म नरम, खुशखबरी। हाँ क्या सो कमेंट करना आप लोगों को कैसा लग रहा है चश्मा, बड़ा है थोड़ा सा लेकिन सही है मेरे चेहरे के हिसाब से, सही है। अरे भरोसा है, लेकिन लोग जब बोलते हैं ना तो दिल पे एकदम टच कर जाता है। जैसे लोगों ने कमेंट मार मार के बोला भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, 2 दिन से व्लॉग नहीं आ रहा है, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि 2 दिन से व्लॉग हमारा नहीं आया, उसके पीछे कारण था, रीजन था, जो कि हम अभी थोड़ी टाइम में आपको बताएंगे, और आपके साथ खुशखबरी भी शेयर करेंगे। क्या है खुशखबरी? अभी बैठते और अभी बात करते, बात ऐसी एकदम घर जैसी है। ब्रो नहीं, पति तुमको नहीं, उधर मेरे भाई बहन है। अच्छा भाई बहन है। और गाइज आप लोग का बहुत बहुत तहे दिल से एकदम दिल खोल के शुक्रिया। सब लोग ने, बहुत सारे लोग ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स किया पोस्ट पे कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। सो गाइज हमारा व्लॉग क्यों नहीं आया था, अब हम उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि सैटरडे था तो संडे व्लॉग नहीं आया था, और उसके बाद मंडे को भी व्लॉग नहीं आया। पता ना यार कि मैं ना बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्टर्ब हो गया था, ऐसा डिप्रेशन में हो गया था, मतलब एकदम डिप्रेस हो गया था, मतलब सब सैड लाइफ होता है ना वैसा, तो क्या हो रहा था, मतलब मेरा काम, जॉब प्लस ऑफिस, मतलब वही ऑफिस, पढ़ाई, असाइनमेंट,
अपार्टमेंट सब सारी चीजें सोच सोच के मेरे दिमाग में मतलब एकदम ऐसा सा हो गया था और मैं कालवा हो गया था दिमाग कालवा ने मैं एकदम बताऊं मैं एकदम सैड हो गया था एकदम मतलब डिप्रेस जैसा हो गया था मैं कुछ किसी से बात ही नहीं करना चाहता था मैं चुपचाप इधर पड़ा था फिर उसके बाद आया संडे संडे को हमने सोचा कि कुछ किया जाए लेकिन उस दिन भी मैंने दोपहर तक मतलब एकदम जैसे बोलते ना बहुत थक गया हूँ लाइफ से वैसे थक गया था वैसे आराम कर रहा था हाफ डे से ज्यादा तो ऑफिस के काम में ही थे और उसके बाद उसके बाद संडे को हमने सोचा इसने बिचारी ने सैंडविच वैंडविच भी बनाया जो कुछ नहीं बोला कि रहने दो सारा चीज बाद में करते हैं देखते हैं मेरा मन नहीं कर रहा है वो बहुत ही मतलब एकदम बोलते हैं ना अपसेट सा हो गया था एक चीज है लाइफ में अगर आप कभी भी डिप्रेस होते हो या डिप्रेशन में जाते हो कुछ ऐसे सिचुएशन में जाते हो तो अपने आपको संभालना ओवर थिंकिंग करने लगती हो तो अपने आपको संभालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके आगे और पीछे बहुत लोग होते हैं जिनको आपको संभालना है जिनके साथ सब कुछ करना है तो वो सोच के आपको उस चीज से उभर के बाहर आना पड़ेगा कि हाँ भाई ये चल हो गया लेकिन उसका सजेशन मतलब सोल्यूशन क्या है उसका पॉसिबिलिटीज क्या है कैसे काम हो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है उस पर वर्कआउट करना चाहिए तो उस पे तो अगर डिप्रेशन फेज में रहते हो तो जो भी आपसे करीब है या फिर आपके साथ है उस वक्त उससे बात करो ये नहीं कि अंदर ही अंदर रखो कभी नहीं मैंने सैटरडे संडे इसे खाली बात ही करी थी और यही सब बोल रहा था कि ऐसे ऐसे तो इसने भी काफी सपोर्ट किया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं को पता था आप लोग अंडरस्टैंड करोगे ये चीज को सो संडे को जब हमने सोचा कि व्लॉग शूट किया जाए कुछ तो क्या हुआ कि जो दीपक है बाबू जो इसका नेफ्यू है जो यहाँ पे आया था तो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसके बेस्ट फ्रेंड की मम्मी एक्सपायर कर गई सो इसलिए ये और वो दोनों दीपक और ये दोनों अपने घर चले गए थे वहाँ पे हम लोग सैंडविच बनाए रहते खाए भी नहीं और हम लोग बस निकल गए जैसे पता चला हम लोग निकल गए क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और जो बेस्ट फ्रेंड है वो और किसी से इतना कनेक्टेड नहीं उससे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है फिर ये दोनों वहाँ चले गए फिर आज सुबह से व्लॉग चालू किया हूँ मैं अब जो खुशखबरी है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए गाइस सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें देखिए सुनीता का यहाँ नाम लिखा हुआ है सुनीता यादव और मेरा नाम यहाँ है राहुल और ये हमारा यहाँ से मैं स्क्रॉल करता हूँ ये देखो सक्सेसफुल और ये ऊपर है ये वाला ये सक्सेसफुल और ये सक्सेसफुल दोनों को ए ग्रेड आया है ए ग्रेड ये फाइनली हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ MBA इन मार्केटिंग करके कंप्लीट हो चुका है और हम पास हो गए हैं विथ ए ग्रेड एंड वी आर सो हैप्पी सो मच हैप्पी कि हमने इतने सारे टास्क के साथ हमारी स्टडीज कंप्लीट की Actually, मेरा जॉब प्लस प्लस अदर काम मैं मतलब बहुत सारे काम करता हूँ तो उसमें बिजी होता हूँ मैं क्या क्या बताऊँ मतलब क्या ही बताऊँ मैं आप लोग भी ऐसा करते कि लाइफ में आप वेले मत बैठिए लाइफ में आप प्रोडक्टिविटी करिए कि आपका टाइम है जो बहुत कीमती है आपको हर एक टाइम आपका यूटिलाइज करना है हर एक चीज सोचना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं और किसमें किसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइफ में हेल्प करना मदद करना ये भी इम्पोर्टेंट है वो भी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट फैमिली टाइम में भी करना चाहिए जो आप लोग देखते हो हमारे व्लॉग्स में तो सब इम्पोर्टेंट है सबको प्रॉपर रखना चाहिए मैनेजमेंट सो अब तो हम पास हो गए मिठाई उठाई बटेगी हाँ MBA क्लियर की सो फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए हैं तो चलो खुशी तो है भाई यही चीज की खुशी है यही थी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना है और बाबू का बोलिए बाबू जब यहाँ पे आया तो एक मतलब उसका दो साल कॉलेज कॉलेज बनी दो साल से लॉकडाउन था और उसका 10th का पढ़ाई चल रहा था तो वो पढ़ाई बहुत ज्यादा फोकस से कर रहा था तो वो कभी कहीं गया नहीं पूरे दो साल में तो इसलिए वो आया था थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ करने वो भी स्ट्रेस रिलीफ करने भी आया था और उसको आगे क्या डिसीजन लेना है क्या करना है 10th के बाद वो हमसे डिसाइड कर रहा था हमसे पूछ रहा था बातें कर रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो हमने भी उसको काफी हेल्प की है बट अभी फिलहाल उसके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने फ्रेंड के साथ है क्योंकि वो हमारे यहाँ पे ही रहते हैं दोनों तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त इसलिए वो चला गया मे बी थोड़े दिन में आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा आएगा तो या ऑलवेज वेलकम और वो भी सीख रहा है काफी सारी चीजें हमारे साथ रह के कि उसके पास थोड़ा सा फ्री टाइम होता है और वो फ्री टाइम इन्वेस्ट कर रहा है इसी को मैं इन्वेस्टिंग बोलता हूँ कि लोग अपना फ्री टाइम कैसे यूटिलाइज करें इनके साथ के पास पढ़ाई के बाद थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो वो टाइम को आप खाली फुकट मत गवाइए वो टाइम को आप यूटिलाइज करिए टाइम खाली फुकट मत वेस्ट करिएगा नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में नॉलेज जितना लेंगे उतना कम है हमेशा लेते रहिएगा तो हमारा नॉलेज फर्स्ट ईयर का ज्यादा हो गया एग्जाम देने के टाइम थोड़ा था ऐसा इतनी सारी चीजें चल रही है तो हम कैसे क्या मैनेज करेंगे बट विद ग्रेस ऑफ गॉड और आप लोग सबके प्यार भरोसे से और मम्मी डैडी के आशीर्वाद से सब ठीक है और हम लोग क्लियर कर गए आज तो हम काफी खुश है मतलब ये थोड़े दिन पहले रिजल्ट आ गया था आज हमने शेयर किया आपके साथ सो आज तो हम काफी खुश है
और हम आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे बहुत सारे कमेंट करना, बहुत सारे दबा के। ऐसे ही लाइफ के बारे में हम आगे भी व्लॉग्स में बात करते रहेंगे, स्पेशली जो बच्चे टेंथ और टेंथ से पास होके निकलते हैं वो कैसे क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने हमारे लाइफ में टेंथ के बाद टाइम वेस्ट किया और मतलब हम खाली स्टडीज़ करते रहे, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं करते रहे, एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ करते नहीं रहे। तो इस चीज़ में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, स्पेशली जो टेंथ एट्थ से पकड़ लो, एट्थ से टेंथ तक थोड़ा सा होता है, तो टेंथ के बाद मैं बोलूँगा कि आप लोग मतलब हमारे वीडियोस देखो, हम हो सकेगा तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ताकि आप लोगों तक वो चीज़ पहुँचे और आप अपने लाइफ में क्या करना चाहिए वो डिसाइड कर सकें। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल आपको एक नए वीडियो के साथ। टिल देन एवरीवन, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, टाटा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई का चश्मा कैसा लग रहा है नीचे कमेंट में बताना। हाय, बाय।